जब केवट भगवान के चरण धोने लगा तो कहता है क्या के पग को बना करके पारस ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा चल केवट अगर तू पैर धोना चाहता है तो धो ले। और केवट पानी कठौता भर ले आवा और पैर धोने लगा। कहता है पग को बना करके पारस तो पाराम रस रस ना खोली अभूषित है जो भव्य भूषण के भूषित है जो भव्य भूषण भाव भरी मेरी झोली भैया। मेरा निवेदन है कि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे अवधेश भैया। फिल्मी गीत में घटा छा रही तब बाहर आ रही है, लेकिन यहाँ जब केवट ने पैर धोए तो कहा प्रभु प्रभु दया देख उस पर दया नाथ की दया देख उस पर दया नाथ की देवों की दृष्टि भी ललचा गई है के देवों की दृष्टि भी ललचा गई है। तो केवट ने कहा मेरे घाट पर अरे आप आ गए हैं के आप बाहर आ गई है ये और भगवान जहाँ पर आ जाए वहाँ तो बाहर आनी ही आनी है। और क्या आप आ गए हैं तो बाहर आ गई है। क्या बात। अब जरा दूसरी जगह देखिए देखें दूसरा पात्र कौन है। मानस ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया शबरी देख राम गृह आए समर समर है पूरा और क्या बेटे समर समर है ये। देखिए दूसरा पात्र भगवान श्री राम का इंतजार एक नारी और कर रही है जिसका नाम है शबरी है? तो गोस्वामी जी ने लिख दिया शबरी देख राम गृह आए मुनि के वचन समुझ जिए भाए तो प्रेम मगन मुख वचन न आवा। शबरी इतनी पागल सी हो गई राम को देखकर कि अपने मुंह से कुछ बात कह ही नहीं पा रही है। प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा तो सादर जल ले चरण पखारे। वो गरीब नारी रोज पैर बीन कर लाती है उसके पास जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार राम को बिठाती है तो सादर जल ले चरण पखारे और पुनि सादर आसन बैठारे और शबरी जब प्रभु राम को अपनी कुटिया में बिठाती है और एक एक झूठे बेर देती है कि भगवान के मुंह में कोई कसैला बेर ना जाए तो कहती है राम राम अबला है अपलक निहारे ये अबला है अपलक निहारे तो प्रभु आगमन की थी आशा और परम प्रेम पथ में प्रदर्शित ये परम प्रेम पथ में प्रदर्शित तो कुछ ना विदित भक्ति भाषा भक्ति की कोई भाषा नहीं होती ये बात। और भगवान आपके मेवा मिष्ठान रुपए पैसे के कभी भूखे नहीं होते और आप इतिहास
वेद पुराण पढ़कर देखिए, भगवान हमेशा उसी के घर आए हैं जिसने भाव से बुलाया है। क्या बात, वो चाहे विद्रानी हो, चाहे शबरी हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे केवट हो, हमेशा ऐसो के ही घर भगवान आए। दुर्योधन जैसे पैसे वाले के मेवा तक त्याग दिए भगवान ने, और सुदामा की कनकी खाली, ये भगवान ऐसे ही होते हैं। वाह। तो शबरी कह रही है, क्या परम प्रेम पथ में प्रदर्शित तो कुछ ना विदित भक्ति भाषा, और आज हे राम के मानो तिलक नीर से मीन कोई। मेरी पंक्ति सुनिएगा, सुनिए। आज ऐसा लग रहा है कि शबरी रूपी मछली को राम रूपी जल मिल गया हो और फिर से जान पड़ गई। तो मानो तिलक नीर से मीन कोई, तो जलद छाए अंबर में जल पा गई है। तो शबरी ने कहा कि मेरी कुटिया में है राम, अरे आप आ गए हैं तो बहार आ गई। धन्यवाद है भाई साहब को। और ये 101 मुद्राएं हैं, जिसमें 51 मुद्राएं मेरे लिए और 51 मुद्राएं हमारे समरजीत भाई के लिए जो ढोलक बजा रहे हैं। आपका नाम ही बहुत अच्छा है, समरजीत। कोई खिसिया रहा है भैया। हमारे सियाराम मिश्रा जी, आप इब्राहिमपुर बाराबंकी से आए हैं। सियाराम भैया आपको हृदय से नमन है। बताने से कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी पंक्ति और छोटी किए दे रही हूँ। तीसरा मात्र मैंने वहां से लिया है, जब रावण को मारकर भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण को लेकर अयोध्या पहुंचे। तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है, क्या भैया भरत से मिलते हैं और अपने भाई भरत से जब मिले तो मानस कहती है, परे भूमि नहीं उठत उठाए। भरत जी राम जी के चरणों में इस तरह लिपटे हैं कि वो उठा रहे हैं और उठ नहीं रहे हैं, पूरा चेहरा लाल पड़ा है रोने से। और आप मेरे शब्दों में ही कल्पना कर लीजिए कि वहां ऐसा ही हो रहा होगा। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरलाए। भगवान भरत को अपने कलेजे से लगा लेते हैं। तो छन मही सब ही मिले भगवाना, छन मही सब ही मिले भगवाना, तो उमा मरम यह काहू न जाए। और आदरणीय प्रधान जी देखिए, भरत जी कहते हैं, क्या तरस तरस 14 बरस तक, तरस तरस 14 बरस तक, हरस ना सके अवधवासी, तो भरत भरत हुंकार मन में, ये भरत भरत हुंकार मन में, तो प्रभु सुधी ना लीनी जरासी। भैया भरत करें कि हे राम, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? आप अपने इस भाई को छोड़कर 14 साल तक अलग रहे, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है, क्या मोचन बने दुख के राजीव लोचन, पूरी अवध नगरी कह रही है कि हे राम, रावण को मार कर अरे आप आ गए हैं। वहां तो आप आ गए हैं, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे संजीव भैया के, विनोद भैया के दरवाजे, अरे आप आ गए हैं।
जितने भी मेहमान हैं कि आप आ गए हैं, और सौभाग्य से हमारे संजीव भैया भी अभी अभी आए हैं, तो आप आ गए हैं, राजू भैया आप आ गए हैं, और मेरा जवाब देने के लिए अवधेश भैया आप आ गए हैं, तो बाहर आ गई की।